हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मेरे साथी आफ्ताब के साथ मैं हूं अशफाक सिद्दीकी। आज आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहली खबर यह है कि कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर का चेंज कर्नाटक में कैंसिल हो गया है। नेशनल बीजेपी की तरफ से यह बताया गया है कि कर्नाटक स्टेट में जो बीएस येडियुरप्पा को चेंज को लेकर जो अफवाहें टेलीविजन मीडिया में, नेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रही थी, अभी वो नहीं है। जो कर्नाटका के बीजेपी के जो इंचार्ज है मिस्टर अरुण कुमार, उनका स्टेटमेंट आया है कि ना ही कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर बीएस येडियुरप्पा का चेंज होगा, ना ही कर्नाटका से बीजेपी के प्रेसिडेंट नलिन कुमार का चेंज होगा, ये अपना टर्म कंप्लीट करेंगे। इसकी एक वजह ये भी है कि जो उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जनरल असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, यहाँ पर चेंज करने से वहाँ पे इसका असर जाएगा। इसके मद्देनज़र बीजेपी के हाईकमांड ने ये डिसाइड किया है कि फिल वक्त कर्नाटका में कम से कम एक साल तक बीएस येडियुरप्पा का चेंज नहीं रहेगा। दूसरी खबर आपके लिए है, कर्नाटका में जो लॉकडाउन को लेकर इतनी अफवाहें हर दिन आ रही थी, यहाँ के जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, जितने मीडिया हैं, हर दिन ये दिखा रहे थे कि लॉकडाउन खुल जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल हमने जो कर्नाटका के यहाँ के बेंगलोर के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर शरणप्पा आईपीएस ऑफिसर से बात की, उन्होंने बताया था कि 14 तारीख तक स्टेटस को सेम रहेगा, लॉकडाउन में कोई चेंज नहीं रहेगा। आज कर्नाटका चीफ मिनिस्टर की एक हाई लेवल मीटिंग पूरे तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ कर्नाटका के साथ हो रही है और आज 5 बजे कैबिनेट की भी मीटिंग है। उसमें डिसाइड ये किया जा रहा है कि कर्नाटका स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट्स में जो पॉजिटिविटी का परसेंटेज कोविड का 5% से कम आ गया है, उन डिस्ट्रिक्ट्स को ओपन किया जाएगा। और बेंगलोर की बात करें पर्टिकुलरली, हम आज बेंगलोर का रेट थैंकफुली 4.9% तक आया है, लेकिन इसका कंसिस्टेंसी एक वीक तक रहना है। इसलिए कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर डी सुधाकर ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने बताया है कि 15 तारीख से जो बेंगलोर का जो लॉकडाउन खुलेगा वो एट ए टाइम 100% नहीं खुलेगा, फेज बाई फेज खुलेगा। फेज बाई फेज का मतलब ये होता है, आज जो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का जो टाइम दिया जा रहा है एसेंशियल्स को खरीदने का, ये टाइम एक्सटेंड होकर या तो 2 बजे हो सकता है या 6 to 6 करने के चांसेस हैं, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन इमीडिएटली ओपन नहीं होगा। जो स्कूल्स है वो बंद रहेंगे, जो बार से, जिमनाशियम से, शॉपिंग मॉल से सारे बंद रहेंगे। फेज बाय फेज इंडस्ट्री वाइज ये खोलने का सुझाव टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को दिया हुआ है। पेट्रोल के दाम 100 रुपये को पार कर गए हैं। और एक अपडेट ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल है, कल कर्नाटका के जो बेस्काम है, जितने चेस्काम, जितने कर्नाटका के जो इलेक्ट्रिसिटी के डिविजन्स हैं, उन्होंने 30 पैसा पर यूनिट रेट का इंक्रीज कर दिया है। ये आपके लिए अपडेट है। हुकूमत का कहना है कि जो कोविड को कंट्रोल करने में सरकार जितना काम करती है, पब्लिक को भी इतनी ही अहम रोल निभानी चाहिए। लॉकडाउन में बिना बाहर नहीं घूमना है। आज हम देखते हैं कि लोग इस लॉकडाउन का किस तरह से फॉलो करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। आफ्ताब के साथ मैं हूँ अशफाक सिद्दीकी। इस लॉकडाउन में हम देख रहे हैं कि जितने NGOs हैं गवर्नमेंट के साथ साथ जो लोगों की मदद कर रहे हैं और जो ऑफिसर्स हैं जो कोविड की ड्यूटी कर रहे हैं, इनका भी कई NGOs हेल्प कर रहे हैं, जिसमें एक आईगेट फाउंडेशन भी है। आइए इनके एक मेंबर से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप जो आईगेट से जो सर्विस करोगे, किस तरह की सर्विस करोगे? ये जो लोगों में हर जो जूस वगैरह पुलिस वालों को दे रहे हैं और जो लोग रोडों पे रहते हैं, जो सफरी रहते हैं, उनके लिए खाना तकसीम करते हैं। NGO हमारा हर तरह की कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि लोगों को इस कोविड के वबा में फ़ायदा पहुँचाए। हम भी सारे NGOs मिलके भी कोशिश कर रहे हैं। हम जो है फाउंडेशन से खाना वगैरह तकसीम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल वगैरह पूरा जगह। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी टीम निकली हुई है ताकि लोगों की खिदमत करने के लिए।
हेलमेट हेलमेट ले जाओ।